राजधानी दिल्ली से है, जहां RWA और स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया। लोगों ने स्कूल और DDA पर अवैध कब्जे करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बच्चों के खेलने की जगह पर स्कूल द्वारा कब्जा किया गया और उसके बाद उस पर स्कूल बना लिया गया, जिसको लेकर हम सब मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये मामला टैंक रोड प्रसाद नगर पार्किंग के पास का है। बताया जा रहा है कि यहाँ पहले बच्चों के खेलने के लिए झील और पहाड़ था, जिस पर DDA और स्कूल की तरफ से कब्जा कर लिया गया। उसके बाद यहाँ अवैध तरीके से स्कूल बनाया गया। इस दौरान निगम पार्षद सुशीला मदन खोरवाल ने कहा कि स्कूल प्रशासन ये जमीन उन्हें वापस करे और जो रास्ता बंद किया गया है उसे भी खोला जाए। प्रदर्शन की यही जगह थी, यह वजह थी कि यहाँ पे जो जगह थी, यहाँ पे झील थी और पहाड़ था। जो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि काफी ऊंचा पहाड़ था, वो पहाड़ और झील दोनों दबा के स्कूल वाले ने वो जगह अपने कब्जे में कर ली। ये जगह जबकि आज मैं पब्लिक से जो लोग रहने वाले वो बता रहे हैं कि 1980 के अंदर ये जगह बच्चों को खेलने के लिए ये जगह अलॉट हुई थी DDA से, परंतु वो सारी जगह स्कूल वालों ने खेली। आज मैं यहाँ की निगम पार्षद बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए आई हूँ, बच्चों के हक की लड़ाई लड़ने आम आए हैं यहाँ पे कि जो बच्चों की जगह थी। आपको बता दें कि बच्चों के खेलने की जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने से स्थानीय लोगों में काफी उबाल है। यही कारण है कि उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में क्या कार्यवाही की जाती है।